हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूनिवर्सल करियर पॉइंट। मैं कुणाल शर्मा, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ्स क्लास 7 की चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग आंकड़ों का प्रबंधन पार्ट 2। जैसा कि मैं आपको पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैंने आपको तीन मेथड बताए थे मीन, मीडियन और मोड के। मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं इस वीडियो को तीन पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। आज आपको सेकेंड पार्ट में पढ़ाऊंगा मैं दंड आलेख और दोहरा दंड आलेख, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखें, मोटिवेशनल क्वेट भी होगी और इसको अच्छे से देखें और आप अच्छे से समझें। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखिए, अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कोई भी है कलर, कलर्स हैं, ठीक है। जैसे यहां मैंने लाल ले लिया, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, इस तरीके से मैंने पांच कलर ले लिए और मैंने इनकी क्वांटिटी भी रख दी। क्वांटिटी मैंने रखी है इनकी, रेड है 5, ब्लू है 7 और ग्रीन है 9 और ये है 15, येलो है 15। तो इनको हमें क्या करना है, एक बार ग्राफ में कन्वर्ट करके बताना है। हमें क्या करना है, बार ग्राफ में कन्वर्ट करना है इन्हें। बहुत इजी है, बहुत अच्छे से करेंगे। सबसे पहले बार ग्राफ एक 90 डिग्री का एंगल जैसे बनता है उस तरीके से बना लीजिए। ऐसे बनाया जाएगा ये 90 डिग्री एंगल पे, यहां पर जीरो माना जाता है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहां पर हम लिखेंगे क्या, क्वांटिटीज। मतलब यहां पर हम रख देंगे इस साइड में क्वांटिटी और बॉटम साइड मतलब नीचे पे हम कलर्स रख देंगे, कलर्स, ठीक है। देखिए पहले हम रखते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आपको छोटे से बड़ा स्टार्ट करना है, बड़ी संख्या को देखना है कौन सी है, बड़ी डिजिट कौन सी है। बड़ी डिजिट को देखेंगे आप तो यहां पर छोटे से स्टार्ट करना है, 5 है और क्या है 15। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। मान लीजिए हमने यहां से किया 5, 10, 15, इस तरीके से ले लिया 5, 10 और 15। अब देखिए यहां पे कलर्स लेने हैं मुझको, अब मैं ले लेता हूं यहां पर कलर्स। कलर्स कौन कौन से हैं मेरे पास, रेड आपको दिखाई दे रहा होगा साफ, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको बनाना है ग्राफ को। अब क्या करना है, हमें इनके बताने कौन किस पे आता है, मतलब ग्राफ में कन्वर्ट करके बताना है आपको इसको। देखिए रेड कितने नंबर पे आ रहा है, रेड आ रहा है 5 नंबर पर, मतलब रेड को हम 5 नंबर से ले लेंगे। यहां आता है तो इस तरीके से कर देंगे हम, रेड का बन गया हमारा ग्राफ। अब देखिए ये कौन सा हो गया हमारा, रेड, रेड हो गया। अब ब्लू किस पे है, ब्लू 7 पे है, तो ब्लू देखिए यहां पर है 7, कितना इससे थोड़ा ऊपर आ सकता है, मतलब हम इसको यहां ले सकते हैं, ब्लू को हम यहां ले लेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या हो जाएगा, ब्लू। अब बात करते हैं हम ग्रीन की, ग्रीन किस पे आ रहा है, 9 पे। अब देखिए 9 आप खुद ही बता सकते हैं मेरे को कमेंट में, 9 का आएगा 10 से थोड़ा नीचे उतार, यहां ले लेंगे हम 9 को इस तरीके से, यहां 9 आ जाएगा। आपको समझ आ रहा होगा, देखिए 9 यहां आ रहा है, ग्रीन का किस पे आ रहा है, 9 पे। देखिए चाहे मैं ऐसे करके आपको दिखा देता हूं, इसकी सीध आपको बिल्कुल नाप के करनी है ग्राफ में, बढ़िया से एकदम साफ साफ, बहुत बहुत इजी है, नंबर मिलते हैं बहुत इजी तरीके से। अब देखिए येलो, येलो किस पे आ रहा है, 15 पे। अब देखिए 15 कहां पे है, तो यहां ले सकता हूं मैं इसको 15 की बिल्कुल सीध में, इस तरीके से मैं येलो का भी ग्राफ बना सकता हूं। ये आपका ग्राफ बन गया, बहुत ही इजी है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए आपको इस तरीके से दिया जाएगा सवाल, किसमें, दोहरा दंड आरेख मतलब डबल बार ग्राफ में। डबल बार ग्राफ में इस तरीके से दो संख्याएं दी जाएंगी आपको,
इसी तरीके से आपको बार बनाने का सेम इसका बनाते हो वैसे ही ये बनाना है आपको, सिंपल करके बताना है। आइए देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, बार बना ले, बार ग्राफ बना लेंगे। आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा ये बनाना। यहाँ पे क्या होता है हमारा जीरो। अब बात करते हैं, देखिए यहां पर नाम लिखे, नेम ऑफ द स्टूडेंट, मतलब यहां पे ए ए बी सी और डी, ये चार बच्चे हैं, इन्हीं का ही हमें क्या करना है, एवरेज जो भी है इनका बताना है हमें। इस तरीके से हम बता सकते हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर लेना है आपको। सबसे हाईएस्ट नंबर देखिए क्या है इसमें, इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर 17 है, तो हम क्या करते हैं 20 तक ले लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आइए कितना ले लेंगे हम यहां, दो पांच से ले लेते हैं, पांच दस पंद्रह बीस, इस तरीके से ले लेंगे हम, पांच दस पंद्रह बीस। अब क्या करना है हमें, देखिए ए का है जो 3 महीने में है 10 पे जाता है, मतलब 3 महीने में क्या होता है 10 पे आती है इसकी, ये आ गया, समझ लो आप, ये 3 महीने 10 आ गया। अब 12 देखिए, अब 6 महीने में कितना है इसका 12 पे, मतलब यहीं से इसका डबल बना दो, 12 इसके थोड़ा ऊपर होगा, इस तरीके से बन जाएगा। यहां पर कोई भी कलर कर सकते हैं आप, इस तरीके से आप बता सकते हैं, मतलब जो हमारा 3 मंथ्स होगा वो तो ब्लैंक रहेगा, और 6 मंथ्स होगा उसको हम कलर कर सकते हैं कोई भी। अब देखिए बी का कितना है 12 पे, बी का आइए 12 पे कितना जाएगा, 12 यहां तक था 12 बन गया। फिर कितना है 14 है 6 महीने में, 6 महीने में 12 से 14 कितना होगा, थोड़ा सा ही ऊपर होगा, आप भी समझ सकते हैं इसको। ये मैं आपको रफली करके बता रहा हूं, ग्राफ में बिल्कुल टू कॉपी करना है, एकदम नाप के करना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, सी की। सी में पहले क्या है 15, मतलब 3 महीने में 15 पे पहुंचता है ये, 3 महीने में 15 पे जाता है ये, 3 महीने में 15 पे जाता है, 15 पे जाने के बाद फिर ये 17 पे 6 महीने में हो जाता है, कितने में हो जाता है 17, 15 और 2 17, इस तरीके से बन जाएगा। हम इनको कलर कर सकते हैं किसी एक को भी, जैसा आपको ऊपर बताया गया है। अब बात करते हैं डी, 14 पे आया है, तो डी किस पे आया है 14 पे, हम इसको थोड़ा छोटा रखेंगे और इसमें अगला भी 14 ही है, तो इस तरीके से कर देंगे हम। आपको ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही इजी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहला पार्ट अगर ना देखा हो, पहला पार्ट भी देखे, बहुत इजी करके समझा रखा है और इसको भी बहुत अच्छे से समझाया है। आइए अब बात करते हैं मोटिवेशनल क्वेड की। हमारा मोटिवेशनल क्वेड है आज का, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है कुछ करके दिखा दो, समय बहुत कम है कुछ करके दिखा दो, कुछ को मैं जगाता हूं कुछ को तुम जगा दो। मतलब इसका मतलब है कि समय बहुत कम है कुछ करके दिखा दो, मतलब कुछ समय तो बहुत कम ही बच चुका है, आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, समय बहुत कम है। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको बताओ कि भाई पढ़ लो, स्कूल खुलने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा अगर आप नहीं पढ़ते तो, कुछ को मैं जगाता हूं और कुछ को तुम जगा दो। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड क्या, ये तो हो ही गया है हमारे मेथड्स, अगला पार्ट जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट था, जिसने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो वो जरूर देखे। थैंक यू सो मच, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर सबसे ज्यादा करें और लाइक भी करें, शेयर करने से क्या होगा सभी बच्चे लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।